अध्यक्ष मोरबी जिला पंचायत श्री चंदू भाई सिहोरा जी, पूर्व मंत्री श्री आई के जडेजा जी, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम भाई सावरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री प्रकाश भाई परमोरा जी, ब्रजेश भाई मेहरजा जी, प्रकाश भाई, विपिन भाई, वासुदेव भाई, केतन भाई दवे जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन और विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विगत दिनों मोरबी के पास हम सब इस बात को जानते हैं कि एक दुखद घटना घटित हुई थी और उस घटना के दौरान पूरे देश की संवेदना मोरबी के साथ में थी। मोरबी का इतिहास रहा है चुनौतियों से जूझते हुए खड़ा होने की, चाहे वह 1979 के ब्रिज के टूटने की घटना हो या साइक्लोन से उभर करके फिर से जीवंतता के साथ आगे बढ़ने का, या भूकंप के दौरान भुज और मोरबी के अंदर हुए नुकसान को समय से पूरा करते हुए खड़े होकर के फिर से जीवंतता की एक नई कहानी कहने का, मोरबी हमेशा इस प्रकार की चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ा है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति हमारी संवेदना है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं आकर के उस संवेदना के साथ जुड़ करके अपनी संवेदनशीलता का परिचय देकर के प्रत्येक पीड़ित परिवार के साथ डबल इंजन की सरकार खड़ी हुई यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की संवेदनशीलता और आम जनमानस के प्रति उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। भाइयों बहनों, गुजरात हमेशा चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ा है। यह धरती अत्यंत पवित्र धरती है, संतों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है और राष्ट्र नायकों की धरती है। देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जाति भेद को समाप्त करके छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करके देश के अंदर एक भाव पैदा हो और उस कालखंड में स्वामी दयानंद सरस्वती को पैदा करने का श्रेय इसी धरती को जाता है। देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कौन करेगा? उस कालखंड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गुजरात की धरती की देन है। स्वतंत्र भारत में भारत के एकीकरण का कार्य का पीड़ा कौन उठाएगा? लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात की धरती की देन है। और जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार और अनाचार के कारण भारत की राजनीति अविश्वास और अराजकता के दौर से गुजर रही थी, तब भारत को नेतृत्व देने के लिए इसी गुजरात की माटी के सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को गुजरात ने देश का नेतृत्व संभालने के लिए भेजा और आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनकर के उभर रहा है।
ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों जो पूरा देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का इस उत्सव के साथ शामिल है, हर घर तिरंगा पहना करके इस उत्सव के साथ हर भारतवासी को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बनता है। और भाइयों बहनों यही नहीं, दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व भी अगले एक वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा, भारत के लिए गौरव की बात है। और इसीलिए आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं कि भाइयों बहनों गुजरात और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी समानताएं हैं। हमारे वृंदा मधुर मथुरा वृंदावन से कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए और हमारे उत्तर प्रदेश की धरती से भगवान स्वामीनारायण का आगमन गुजरात की धरती पर होता है। यहाँ पे स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे पूज्य संत जन यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की धरती की भी महानता है, वो देवों की धरती है और उन्हें देवत्व की स्थिति में एक महानता प्रदान करने में गुजरात का योगदान सदैव अग्रणी रूप से सामने रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों आज मैं आपके पास आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए आज से 20 वर्ष पहले गुजरात में आतंकी घटनाएं होती थी, देश